अम्बाला कैंट से आजाद उम्मीदवार चित्रा सरवारा को अम्बाला कैंट के दुकानदारों का समर्थन मिला है। सभी दुकानदारों ने आज चित्रा सरवारा को समर्थन देने का ऐलान किया। चित्रा सरवारा ने दुकानदारों का साथ मिलने पर खुशी जताई और अपनी जीत का दावा किया। वहीं चित्रा सरवारा ने राम रहीम को पैरोल मिलने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अम्बाला को भयमुक्त बनाने का भी दावा किया। चुनाव से पहले ही लोग मुझे कहते थे, बहन जी अब की बार भी यही नारा होना चाहिए। अब की बार जैसे हमारे भाई आज बीच में आए हैं, अब की बार भी आप देखिएगा कि लोग उस भय के खिलाफ, देखिए अम्बाला वो ज़मीन, वो शहर है जहाँ से 1857 की क्रांति की चिंगारी शुरू हुई थी। इस शहर को ज़्यादा देर तक डराए रखना, बिठाए रखना मुमकिन नहीं है। और इस चुनाव में चाहे वो निर्दलीय निशान ही सही, अब की बार अम्बाला अपनी आवाज़ बुलंद करके रखे। समझ ही नहीं आ रहा, कोई और दावा कर रहा है क्या? वो कांग्रेस है, असली नकली की डिबेट में पड़ जाना, मैं तो कह रही हूँ खुद ही बोलना शुरू कर देना, कहीं चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात हो जाती है। हमने तो कभी नहीं कहा कांग्रेस है, हमने तो कहा ही नहीं कि हम कांग्रेस हैं। हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं, हम अम्बाला हैं और मैं अम्बाला की बेटी हूँ। इसी ज़मीन पर, इसी ग्राउंड पर, इन्हीं बातों पर मैंने संघर्ष किया और इसी पर चुनाव 100% हो गया जी। अम्बाला का चुनाव है और अम्बाला इकट्ठा है। और अम्बाला में आज देखिए, आज हमारे साथ सिख समाज के स्तंभ हरपाल सिंह पाली जी हैं, आज अग्र समाज के सभी प्रमुख साथी आज हमारे साथ हैं। और आज अब आप देखें, बाजार साथ है, उद्योगपति साथ है, महिलाएं साथ हैं, युवा साथ हैं, तो ये टीम अम्बाला बनती जा रही है फॉर श्योर। देखिए जी, राम रहीम जी को जब भी पैरोल मिलती है तो पता चल जाता है कि चुनाव आने वाला है। और अब की बार तो उन्हें पैरोल आचार संहिता अनाउंस होने से पहले मिल गई थी। लोगों को अंदाज़ा था कि 25-26 के करीब आचार संहिता लगेगी और उन्हें पैरोल मिल गई थी उससे काफ़ी पहले, तो उसी से हमें शक हो गया था कि कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है। डेफिनेटली उनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है और हम उम्मीद करते हैं पैरोल उन्हें मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना योगदान प्रदेश को, देश को बेहतर करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए, ये तो होएगा मेरे ख्याल से, डेफिनेटली होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि वो हरियाणा की बेहतरी के लिए, हरियाणा के लोगों की बेहतरी के लिए कोई भी अगर किसी भी तरह इशारा करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसके लिए ही करेंगे। वहीं पंसारी बाजार के गणमान्य अमित सिंगला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो चित्रा सरवारा की नीतियों से प्रभावित होकर अपने दुकानदारों के साथ उनको समर्थन देती हैं। आज मैं बहन चित्रा सरवारा की नीतियों से प्रभावित होकर और इनकी साफ छवि से प्रभावित होकर आज अपने साथियों के साथ और अपने दुकानदार भाइयों के साथ बहन चित्रा सरवारा जी के को समर्थन दे रहा हूँ। हमारे जो भी जनता के लिए समाज सेवी के कार्य में वो सभी आए, ऐसे ही जारी सारी सेवाएं आज भी ऐसी, पहले भी जारी थी और आज भी जारी रहेंगी। मैं एक बार दोबारा अपनी बहन चित्रा सरवारा जी का धन्यवाद। बहरहाल अब देखना होगा कि दुकानदारों के समर्थन से चुनाव में चित्रा सरवारा को कितना लाभ मिलता है, जनता किसको अपना नेता चुनती है। पंजाब के सी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।